सब्सक्राइब कीजिए आईटीआई एग्जाम 2020 चैनल को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम 2020 में। तो दोस्तों आज हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 4 क्लास है, 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और आज इस क्लास में हम सम्प्रेक्षण कौशल चैप्टर आपका कम्प्लीट करेंगे। जो इसमें क्वेश्चन हमारे जो रह गए थे वो हम आज इस क्लास में कम्प्लीट करने वाले हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज टॉप 20 क्वेश्चन है जो चैप्टर्स हैं वो हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हों तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको एक जानकारी और देने वाला हूँ कि मैंने इस चैनल पर जो सेकेंडरी के लिए क्लासेस हैं वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपका कोई भी दोस्त भाई कोई भी हो, इस कॉलेज फ्रेंड या आपके साथ फेसबुक पर जुड़ा हो, व्हाट्सएप पर जुड़ा हो कोई भी सेकेंड ईयर का बंदा, आपको बताइएगा कि मैं इसी चैनल पर क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ सेकेंड ईयर के वालों के लिए भी, ठीक है दोस्तों। तो आप उसको बताइएगा और हो सके तो उसको शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए प्लीज़ यार, सपोर्ट कीजिए। न्यू चैनल है, आपको बस इतना ही करना है, आपको प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए चैनल को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। किस संचार में स्थिरता अधिक होती है? जवाब दीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि किस संचार में स्थिरता अधिक होती है? तो राइट आंसर भैया हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि लिखित संचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है। पॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है बताइए दोस्तों, राइट आंसर बताइए क्या होगा। पॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सूचना संप्रेक्षण की तकनीकों में शामिल नहीं है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। सूचना संप्रेक्षण की तकनीकों में शामिल नहीं है बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी को एक टक देखना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन आ गया है, श्रवण कैसी प्रक्रिया है? श्रवण जानते हैं आप क्या होता है, श्रवण में बताता हूँ क्या होता है आपको, होता है आपका इसका हिंदी में मतलब देखें तो होता है आपका सुनना, ठीक है दोस्तों। श्रवण को क्या कहते हैं हम, सुनना। चलिए राइट आंसर बताइए श्रवण कैसी प्रक्रिया है। चौथे क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों, तो वो क्या होगी आपकी, मानसिक एवं शारीरिक प्रक्रिया, ठीक है। मैंने बताया ना आप सुनना होता है इसका मतलब, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि श्रवण के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जो सुनना होता है हमारा किसी को जो बात सुनते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं बताइए दोस्तों, राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 4, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं अपना छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रिपल ए लिसनिंग में कौन शामिल नहीं है, ट्रिपल ए लिसनिंग में कौन शामिल नहीं है दोस्तों, बताइए राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन का। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विचार आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रभावी श्रवण की बाधाओं में शामिल है, बताइए दोस्तों। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा, प्रभावी श्रवण की बाधाओं में शामिल है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दृढ़ संवेग, बी है बोलने की इच्छा, सी भिन्न दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर भैया ये सभी हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेतन कार्य कितने रूपों पर आधारित होता है, चेतन कार्य कितने रूपों पर आधारित होता है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आठवें क्वेश्चन का बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ट्रिपल ए लिसनिंग में श्रोता की मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए, बताइए दोस्तों राइट आंसर दिए नवे क्वेश्चन का। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सकारात्मक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि स्टेनर के अनुसार मोटिव एक अवस्था है। बताइए दोस्तों, स्टेनर के अनुसार मोटिव एक अवस्था है। स्टेनर कोई व्यक्ति हुए, महान दार्शनिक हुए है, तो इनका कहना है कि स्टेनर के अनुसार इन्होंने बता रखा है मोटिव एक ऐसी अवस्था है, बताइए दोस्तों, आंतरिक है, मानसिक है, बाह्य है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए 10वें क्वेश्चन का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि आंतरिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कि अभिप्रेरण प्रेरण को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। अभिप्रेरण को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर बताइए दोस्तों 11वें क्वेश्चन का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा श्रवण का प्रकार नहीं है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर बताइए क्वेश्चन का, 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा श्रवण का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीघ्र श्रवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि वक्ता को कैसे आभास होता है कि आप उसे सुन रहे हैं, यानी कि जब दो दो बंदे आपस में बात करते हैं तो एक को कैसे पता होता है कि उस वो यानी कि एक बोलता रहता है और एक सुनता है, तो बोलने वाले को कैसे पता होता है कि मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। बताइए दोस्तों, वो कैसे इशारे करता है भैया, या तो मुस्कराएगा या मौखिक अभिव्यक्तियाँ देगा, ठीक है, नहीं, और ये फिर सिला हिलाकर बालों को समर्थन देगा, यानी कि सी या तो सिर हिलाएगा। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग सही ये हो जाएंगे आपका उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले कार्य करना चाहिए छोटा मुश्किल बड़ा माध्यम। बताइए दोस्तों, राइट आंसर बताइए 14वें क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन है बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि छोटा हमें कार्य करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि सफलता की कुंजी है, सफलता की कुंजी है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबद्धता है सफलता की कुंजी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि व्यावहारिक कौशल क्या है, व्यावहारिक कौशल क्या है। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परस्पर सामंजस्य बनाने की काबिलियत, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 17वां क्वेश्चन। कि साक्षात्कार किस शब्द से बना है। बताइए दोस्तों, साक्षात्कार किस शब्द से बना है। राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरवायर। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन। कि साक्षात्कार मंडल के सभी सदस्य होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, अनुभवी होते हैं, या दोनों होते हैं, या ये सभी होते हैं। बताइए दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया ए और बी, यानी कि विशेषज्ञ भी होते हैं और अनुभवी भी होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कि बाह्य व्यक्तित्व व्यक्ति के मानसिक स्तर का होता है, क्या होता है, साक्षात्कार होता है, प्रस्तुति होता है, या दर्पण होता है, या आकर्षण होता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। कि साक्षात्कार एक क्या है। बताइए दोस्तों 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा पारस्परिक वार्तालाप, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की बस क्लास में इतना ही था, 20 क्वेश्चन थे, और अब ये आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब अगले जब सीरीज से आएंगे, हम नई क्लास में आएंगे, तो उसमें नया चैप्टर लाएंगे। और यार मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।